हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की रेसिपी है डोसा। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। डोसा का बैटर रेडी करने के लिए हमें चाहिए 1 कप राइस, आधा कप उड़द दाल, 1/4 कप चना दाल और 1 चम्मच मेथी के दाने। इसे अच्छे से धो ले और इसे रात भर भिगोकर रख दे। इसका सारा पानी निकाल दे। आप देख सकते हो ये अच्छे से फूल गया है। अब इसका हम एक बैटर रेडी कर लेंगे। अब इसमें नमक ऐड कर दे और इसे अच्छे से मिला दे। अब इसमें थोड़ा पानी डालकर बैटर को पतला कर दे। बैटर जितना पतला रहेगा डोसा आपका उतना क्रिस्पी बनेगा। अब बैटर को गिरा के देखें, अगर ये इजीली गिर रहा है तो इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें 1/4 बेकिंग सोडा डालकर अच्छे से मिला दे। अगर आपको बेकिंग सोडा नहीं डालना है तो आप इसमें नमक ऐड करके इसे एटलीस्ट 3 से 4 घंटा के लिए रेस्ट पे रख दे। अगर आपको तुरंत बनाना हो तो आप इसमें बेकिंग सोडा ऐड करें। बैटर को 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से मिला ले। अब इसे कवर करके साइड रख दे। तब तक हम सांभर और चटनी रेडी कर लेते हैं। सांभर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ सब्जियाँ ली हैं। बैगन, बीन्स, गाजर और थोड़ा सा भिंडी। आप चाहे तो यहाँ पे ड्रम स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। अब एक कुकर को अच्छे से गर्म करें। कुकर गर्म हो चुका है। इसमें 3 से 4 चम्मच तेल डाल दे। तेल को अच्छे से गर्म होने दे। अब इसमें 1 चम्मच सरसों डाल दे, 2 सूखी लाल मिर्च, 8-10 कड़ी पत्ता डालकर इसे अच्छे से मिला दे। इसमें बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, प्याज 1 मीडियम साइज के डालकर अच्छे से मिलाएं और सब्जियां डाल दे। सब्जियां डालकर इसे मीडियम फ्लेम में 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर ले। अब इसमें हम दाल डालेंगे। मैंने यहाँ पे 1/2 कप मसूर दाल लिया है। आप इसकी जगह पे तूर दाल भी ले सकते हैं। 2 मीडियम साइज के टमाटर, नमक, 2 चम्मच सांभर मसाला, 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी डालकर इसे अच्छे से मिला दे। अब इसमें हम पानी डालेंगे। मैंने यहाँ पे 3 कप पानी लिया है। अब इसे कवर करें और मीडियम फ्लेम में 3 फुल सीटी आने तक इसे पकने दे। तब तक हम चटनी रेडी कर लेते हैं। चटनी के लिए भिगोया हुआ चना दाल, 2 हरी मिर्च, लहसुन, भुना हुआ मूंगफली और 2 कड़ी पत्ता को डालकर अच्छे से इसका एक पेस्ट बना ले। अब इसमें नमक डाल दे और इसे अच्छे से मिला दे। अगर आपको चटनी गाढ़ी लगी तो आप इसमें थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब इसका हम तड़का रेडी कर लेते हैं। 3 फुल सीटी आ चुका है। अब इसका फ्लेम बंद कर दे और इसे हम साइड कर देते हैं ठंडा होने के लिए। छोटा पैन को गर्म करें और इसमें तेल डाल दे। तेल को गर्म होने दे। अब इसमें सूखी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच सरसों और 2 कड़ी पत्ता डाल दे। अब इसे चटनी पे डाल दे और इसे एक बार अच्छे से मिला दे। चटनी हमारा रेडी है। आप देख सकते हो सांभर रेडी है। अब डोसा बनाना हम स्टार्ट करते हैं। एक तवे को हाई फ्लेम में गर्म करें। अब इसमें 1 से 2 चम्मच तेल डालकर अच्छे से फैला दे। अब तवे का फ्लेम लो कर दे। अब इसमें बैटर डाले और इसे अच्छे से फैला दे। डोसा को लो फ्लेम में पकने दे। लो फ्लेम में अगर डोसा पकेगा तभी जाके ये क्रिस्पी बनेगा। अब इसमें ऊपर से 1 चम्मच तेल डाल दे अच्छे से। अब देख सकते हो डोसा का कलर चेंज होने लग गया। अब इसे हम निकाल लेते हैं। अब देख सकते हो यह कितना थिन और क्रिस्पी बना है। प्रोसेस हम करेंगे। तवे को हाई फ्लेम में रहने दे और जब बैटर आप डालने लगे तो आप उसका फ्लेम लो कर दे और डोसा को हमेशा लो फ्लेम में ही पकने दे और ऊपर से निकालने से पहले तेल डाल दे ताकि ये इजीली छोड़ दे और क्रिस्पी बन जाए। सांभर, चटनी और डोसा रेडी है।
अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबा दें जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।